सुनो, कल मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं तो कल आप काम पे नहीं जाओगे। तो काम पे क्यों नहीं जाऊं? आ रहे हैं तो तुम देख लेना ना। सासू माँ ने समझाया कि जब घर पे बड़े बुजुर्ग आए ना तो अपने काम धंधा सब छोड़ना। गुड्डू तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ऐसे में एकदम से दुकान थोड़ी ना बढ़ा सकता हूँ। मैं तो हमेशा से काम को पहले रखती थी यार, पर शादी के बाद फैमिली को पहले रखना पड़ता है, ऐसा मम्मा ने समझाया मुझे। यार तुम्हारी मम्मा क्या क्या सिखाती रहती है तुम्हें। मेरी नहीं, आपकी मम्मा, मतलब हमारी। गुड्डू मैं बहस के मूड में नहीं हूँ यार, कल का कल देखेंगे। अभी मैगी और कोल्ड कॉफी बना दो हम दोनों के लिए। यार ऐसे मत करो तुम, मैं अभी तो थका हुआ घर आया। क्या बात कर रहे हो, सासू माँ कहती है कि बाहर जाके काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों की सेवा नहीं करोगे। ओके भाई मैं बना देता हूँ। खाना बना रहे हो, क्या चल रहा है इस घर में? सासू माँ ये कुकिंग चल रही है। अरे पर ये पहलू क्यों कर रहा है? ऐसा कहाँ लिखा है कि कुकिंग सिर्फ मैं ही करूंगी, ये नहीं कर सकते? अगर बेसिक स्किल है तो दोनों को ही आनी चाहिए ना। मेरी समझ से तो बाहर है लड़की, कुछ समझाओ इसको। सासू माँ कुछ बातें लड़कियों को नहीं समाज को समझने की जरूरत है। जब बाहर जाके बहू बेटा दोनों करते काम तो दोनों को ही होती है ना बराबर की थकान, तो क्यों सिर्फ बेटा आके करे आराम और बहू घर आके भी करे काम? देखो बेटा कैसे मुझसे लड़ाती है जबान, इसकी उल्टी बातों से मैं तो हो गई हूँ परेशान। बीवी बोले मम्मा और माँ बोलती है जोरू का गुलाम। तुम दोनों ने कर रखा है मेरा जीना हराम।